हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आओ कंफ्यूजन दूर करें सीरीज। तो दोस्तों, आज का जो कंफ्यूजिंग टॉपिक है वो ये है कि क्या होमोजेनस मटेरियल की प्रॉपर्टी हर जगह सेम होती है। जब मैं अपने स्टूडेंट से पूछता हूँ, जब मैं कहीं पढ़ाने जाता हूँ, तो मेरा पहला क्वेश्चन ये होता है, क्योंकि जब मैं सॉम पढ़ाता हूँ तो बेटा सॉम की शुरुआत ही इसी टॉपिक से स्टार्ट होती है ना। अजम्पशन मानते हैं हम लोग कि मटेरियल शुड बी होमोजेनस एंड आइसोट्रॉपिक। तो मेरा क्वेश्चन होता है कि क्या होता है होमोजेनस मटेरियल। तो बच्चे बोलते हैं, सर ऐसा मटेरियल जिसकी प्रॉपर्टी सब जगह सेम हो। माइंड प्लीज, क्या बोलते हैं बोलो? ऐसा मटेरियल जिसकी प्रॉपर्टी सब जगह सेम हो। ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है, दिस इज अ रॉन्ग आंसर। होमोजेनस मटेरियल की प्रॉपर्टी हर जगह सेम नहीं होती। तो फिर कहां सेम होती है, क्या है होमोजेनस मटेरियल, आइए जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जानना होगा कि व्हाट इज द होमोजेनस मटेरियल। तो आ होमोजेनस मटेरियल, अ मटेरियल इज सेड टू बी होमोजेनस व्हेन इट शोज द सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी। ध्यान देंगे बेटा, व्हेन इट शोज द सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज एट एनी पॉइंट इन गिवन डायरेक्शन। व्हाट इज द मीनिंग? आपने जो भी पढ़ा है, जिसने पढ़ा है, सब साइड कर दो बेटा, सब साइड कर दो। अब मैं जो पढ़ा रहा हूं सुनो, एक होमोजेनस मटेरियल का एक दो दो एस्पेक्ट है इसके। हम लोग यहां पे इलास्टिक प्रॉपर्टीज के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। एक होमोजेनस मटेरियल का मीनिंग ये भी होता है कि जिसकी डेंसिटी हर जगह सेम हो, जिसका केमिकल कंपोजिशन हर जगह सेम हो। सुनो ध्यान से, वो बिल्कुल ठीक है, केमिकल कंपोजिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात अलग है। बट हम यहाँ पे बेटा सॉम पढ़ने जा रहे हैं, या हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने जा रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग पढ़ने जा रहे हैं, तो हमें बेसिक डेफिनेशन पता होना चाहिए होमोजेनस मटेरियल होता क्या है। केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी डेंसिटी, उसका जो क्या बोलेंगे हम लोग, केमिकल कंपोजिशन, वो सब जगह सेम होता है, वो अलग बात है, वो साइड कर दो। हम प्रॉपर्टीज के रेस्पेक्ट बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी वर्ड समझो। अगर आपसे मैंने पूछा होमोजेनस मटेरियल क्या है, आपने बोला गौरव सर एक ऐसा मटेरियल जिसकी प्रॉपर्टी हर जगह सेम है, तो आंसर गलत है। आपने बोला ऐसा मटेरियल जिसकी केमिकल कंपोजिशन हर जगह सेम है, तो आंसर सही है, केमिकल कंपोजिशन के रेस्पेक्ट में आंसर सही है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी वर्ड यूज कर रहे हो तो गलत हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो सुनो बेटा, क्या करना है फिर? तो एक ऐसा मटेरियल जो सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी देगा, कहां पे देगा? किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, लेकिन गिवन डायरेक्शन में, लेकिन गिवन डायरेक्शन। व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग? सुनो, कह रहे सुनो ध्यान से, ऐसा मटेरियल जिस जो किसी भी पॉइंट पे सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी देगा, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। लेट्स इमेजिन, मैंने बोला इधर चले जाओ, इस डायरेक्शन में चले जाओ, मतलब मैंने बोला मान लो उत्तर दिशा में चले जाओ, तो उत्तर दिशा में कहीं भी जाओ आपको सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी मिलेगी। माइंड प्लीज, क्या बोला मैंने? मैंने बोला उत्तर दिशा में चले जाओ, नॉर्थ में चले जाओ, तो नॉर्थ में जहां जाना जाओ, नॉर्थ में जहां जाना जाओ, सेम प्रॉपर्टी मिलेगी। उसको बोलते हैं होमोजेनस मटेरियल, यानी कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम होती है, हर डायरेक्शन में नहीं होती। माइंड प्लीज, तो देखो जैसा कि एग्जांपल में दिखाया गया है, आप देख पा रहे हैं एज पर द डेफिनेशन। तो क्या बोला मैंने, मटेरियल सेट टू बी होमोजेनस व्हेन इट शोज द सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज, सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी एट एनी पॉइंट, एनी मतलब कोई भी, एक दो तीन, देखो मैंने तीन पॉइंट ले लिया, एनी मतलब कोई भी होता है ना, तो एट एनी पॉइंट, तीन पॉइंट ले लिया मैंने, मेरी मर्जी कोई भी ले देता हूं, इन गिवन डायरेक्शन, चेक करो गिवन डायरेक्शन। मैंने बोला इधर 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 इधर, मतलब इस डायरेक्शन में हर जगह क्या मिलेगा, सेम प्रॉपर्टी मिलेगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए। अगर मैंने बोल दिया इधर इवन मिलेगा, तो इधर इवन ही मिलेगा, आप पॉइंट कुछ भी रखो, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। उसको बोलते हैं होमोजेनस मटेरियल। अगर मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी, देखो अगर मैंने गलती से डायरेक्शन चेंज कर दी, लेट से मैंने डायरेक्शन कर दी ये, मैंने डायरेक्शन कर दी ये, मैंने डायरेक्शन कर दी ये, तो बेटा अब क्या होगा, प्रॉपर्टी विल गेट चेंज्ड। अब हो जाएगी, लेट्स इमेजिन ई टू, अगर यहां पे यंग्स मॉडुलस की वाली ई वन आ रही थी, तो अब इस दिशा में आएगी ई टू, एक एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। लेकिन आप चेक करिए, लेकिन आप चेक करिए, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हर पॉइंट पर सेम है, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम होगी, आप चेक कर लो। एक पर्टिकुलर, जैसे मैंने इधर बोला, इधर अगर इधर इस डायरेक्शन में तो ई वन है, तो ई वन ही रहेगी। अगर मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी, जैसे ई टू इस वाली डायरेक्शन में गया, तो ई टू हो जाएगी, अब हर जगह ई टू मिलेगी। मैं कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लूँ, मतलब मैंने यहाँ पे एक नया पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, तो अगर मैं इस डायरेक्शन की बात करूँ, तो इधर ई टू ही मिलेगी बेटा मुझे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऐसे मटेरियल को बोलते हैं होमोजेनस मटेरियल, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी फिक्स होती है। अगेन फाइनलाइज कर दूं मैं, पॉइंट कुछ भी हो सकता है, डायरेक्शन फिक्स होनी चाहिए। होमोजेनस मटेरियल क्या है? पॉइंट कुछ भी हो जाएगा, डायरेक्शन एक ही होनी चाहिए, तो वो क्या है, होमोजेनस मटेरियल है। मतलब होमोजेनस मटेरियल के केस में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी फिक्स होती है, ऑलवेज रिमेंबर। इसलिए एक सेंटेंस बेटा यहां पे लिखा गया, इस पर क्वेश्चन बनता है बेटा, फॉर अ होमोजेनस मटेरियल प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली कई बार एग्जाम्स में पूछा, बच्चे गलत करके आ जाते बेटा, एक नंबर का क्वेश्चन है बेटा, आपके पीएसयूज के लिए, एई के, जेई के, सारे एग्जाम्स के लिए। क्या है ये? फॉर अ होमोजेनस मटेरियल प्रॉपर्टी आर इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट, चेक करो क्या हमारी प्रॉपर्टी पॉइंट चेंज करने में चेंज हो रही है, नहीं। चेक करो क्या हमारी प्रॉपर्टी पॉइंट चेंज करने में चेंज हो रही है, नहीं। देखो इस जगह इस पॉइंट को मैंने पॉइंट नंबर वन बोल दिया, इसको टू बोल दिया, इसको थ्री बोल दिया, चेक करना जो प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी पॉइंट नंबर वन पर थी, वही पॉइंट नंबर टू पर भी, चेक करो इस डायरेक्शन में ही, इस डायरेक्शन में ही वन, इस डायरेक्शन में ही टू, इस डायरेक्शन में ही टू, तो जो प्रॉपर्टी वन पे है वही टू पे, वही थ्री पे, तो पॉइंट चेंज करने प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। क्या चेंज करने पर चेंज हो रही है, क्या चेंज करने पर चेंज हो रही है, डायरेक्शन। पॉइंट नंबर वन को देखो,
पॉइंट नंबर वन पे इस डायरेक्शन में ई वन है, इस डायरेक्शन में ई टू है। अब मान लो कोई तीसरे डायरेक्शन लोगे तो ई थ्री हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? यानी कि प्रॉपर्टी क्या है, पॉइंट इंडिपेंडेंट है लेकिन डायरेक्शन डिपेंडेंट है। एक और वर्ड बन सकता है यहां पे, एक और वर्ड बन सकता है क्या, फॉर अ होमोजेनस मटेरियल प्रॉपर्टीज आर डायरेक्शनल डायरेक्शन डिपेंडेंट, डायरेक्शन डिपेंडेंट, समझो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन डिपेंडेंट, ठीक है। डायरेक्शन चेंज होगी तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। एम आई क्लियर अप टू हियर? ठीक है, और सर समझ में आ गया, बहुत बढ़िया समझा, मजा आ गया। लेकिन ये बताओ फिर, ये बताओ फिर वो कौन सा मटेरियल की प्रॉपर्टी हर जगह सेम होती है, क्योंकि होमोजेनस की तो है नहीं। ये हमारे टॉपिक, ये हमारा आज का टॉपिक था, होमोजेनस मटेरियल की तो प्रॉपर्टी सब जगह सेम है ही नहीं, तो फिर किस मटेरियल की भैया? देखो आगे उसके लिए आपको समझना पड़ेगा आइसोट्रॉपिक मटेरियल। तो पहले आपको समझना पड़ेगा आइसोट्रॉपिक मटेरियल। अब आइसोट्रॉपिक मटेरियल होमोजेनस मटेरियल का जस्ट अपोजिट होता है। जस्ट अपोजिट कैसे? अ मटेरियल इज सेड टू बी आइसोट्रॉपिक व्हेन इट शोज द सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी एट अ पॉइंट इन एनी डायरेक्शन। देखो वहां पे क्या था, अ मटेरियल इज सेड टू बी होमोजेनस व्हेन इट शोज द सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी एट एनी पॉइंट इन गिवन डायरेक्शन, एट एनी पॉइंट इन गिवन डायरेक्शन। यहां क्या हो गया? एट अ पॉइंट इन एनी डायरेक्शन उल्टा हो गया। वहां डायरेक्शन फिक्स थी, यहां पे पॉइंट फिक्स होना चाहिए, उल्टा है, जस्ट उल्टा है उसका ये, ठीक है। तो वहां क्या हो रहा था, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी फिक्स थी, यहां एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रॉपर्टी फिक्स होगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। ये लिखा हुआ है कि व्हिच व्हेन शोज द सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज एट अ पॉइंट इन गिवन इन एनी डायरेक्शन, मतलब किसी भी पॉइंट पर किसी भी डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी मिलेगी। बात समझ में आ रही है? मतलब जस्ट उल्टा है, वहां पर पॉइंट कुछ भी हो सकता है, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। यहां पर डायरेक्शन कुछ भी हो सकते हैं, पॉइंट एक होना चाहिए, पॉइंट सेम होना चाहिए। तो देखो मैंने एक पॉइंट मान लिया, लेट्स से पॉइंट नंबर वन। अब इस पॉइंट नंबर वन पर चेक करो बेटा, पॉइंट नंबर वन पर हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी कैसी सेम है, ऐसे मटेरियल को क्या बोलेंगे हम, आइसोट्रॉपिक मटेरियल। और जैसे ही मैं पॉइंट चेंज करूंगा, देखो जैसे ही मैंने पॉइंट चेंज किया क्या होगा, प्रॉपर्टी विल गेट चेंज। देखो ये हो जाएगी ई टू, क्या हो जाएगी ई टू, ये क्या हो जाएगी ई टू। लेकिन हर डायरेक्शन में कैसी होगी, हर डायरेक्शन में कैसी होगी सेम, क्योंकि कैसा मटेरियल है, आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक मटेरियल क्या होता है, मटेरियल क्या होता है, ऐसा मटेरियल जिसकी प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में सेम हो, हर डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टी सेम होती है उसको क्या बोलते हैं, आइसोट्रॉपिक। लेकिन हर पॉइंट पर सेम नहीं, चेक कर लो, यहां उल्टा है, यहां पॉइंट चेंज करने से प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, यहां पे पॉइंट चेंज करने से प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है, यहां पे डायरेक्शन चेंज करने से प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, यहां पे पॉइंट चेंज करने से प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। अंतर समझ में आया। तो भैया एक में क्या है, अब दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक मटेरियल ऐसा है जिसमें डायरेक्शन फिक्स है, मैंने बोल दिया इस डायरेक्शन में चले जाओ, अब इस डायरेक्शन में जिस पॉइंट पर जाना जाओ डायरेक्शन ये रखनी है बस, अगर ऐसे कर दी तो चेंज हो जाएगी। आइसोट्रॉपिक क्या है, आइसोट्रॉपिक पॉइंट फिक्स कर लो, पॉइंट फिक्स कर लिया, मैंने बोला इस पॉइंट पे प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में सेम है, मतलब पॉइंट फिक्स कर लो, पूरा 360 डिग्री घूम जाओ, प्रॉपर्टी सेम मिलेगी। पॉइंट अगर गलती से इस पॉइंट के, ये पॉइंट हो गया तो इस पे प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी लेकिन हर डायरेक्शन में सेम मिलेगी। मतलब क्या निकल के आया, फॉर एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। यहां पर डायरेक्शन चेंज करने पर प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, यहां पर क्या चेंज करने पर प्रॉपर्टी चेंज होती है, पॉइंट चेंज करने पर। तो यहां पर क्या लिखवाया था मैंने, यहां पर इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट है, डिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन है। यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन है, डिपेंडेंट ऑन पॉइंट। दो क्वेश्चन बना दिए बेटा मैंने, डिपेंडेंट ऑन पॉइंट, या पॉइंट पर डिपेंड करती है प्रॉपर्टी। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर खड़े हो तो वहां प्रॉपर्टी सब जगह सेम होगी, जैसे आप पॉइंट चेंज करोगे प्रॉपर्टी विल गेट चेंज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज व्हाट वी कॉल्ड आइसोट्रॉपिक। ओके, जितने भी कंफ्यूजन है बेटा दूर कर लो यहीं पे, ठीक है, समझ में आ गया। अब अभी तक सर गौरव सर ये समझ नहीं आया कि फिर वो कौन सा मटेरियल जिसकी प्रॉपर्टी हर जगह सेम होती है, तो बेटा वो होता है, अब आप सीख पाएंगे, वो होता है हमारा होमोजेनस एंड आइसोट्रॉपिक मटेरियल। व्हाट इज द मीनिंग, मतलब वो अकेला होमोजेनस नहीं होता, वो अकेला आइसोट्रॉपिक नहीं होता, वो दोनों का मिक्सचर होता है। तो एक ऐसा मटेरियल जिसमें होमोजेनस और आइसोट्रॉपिक दोनों प्रॉपर्टी होती है, वो मटेरियल होता है जिसकी प्रॉपर्टी हर जगह सेम होती है। मतलब ध्यान से देखो बेटा, ये हमारे सोम सब्जेक्ट का पहला अजम्पशन होता है कि मटेरियल शुड बी होमोजेनस एंड आइसोट्रॉपिक, पढ़ा है आप लोगों ने, मटेरियल शुड बी होमोजेनस एंड आइसोट्रॉपिक पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो बेटा एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब होता है प्लस, यानी होमोजेनस प्लस आइसोट्रॉपिक मटेरियल। अगर यहां पे और होता ना, और का मतलब होता है या तो ये, समझो। अगर मैंने लिख दिया होमोजेनस एंड आइसोट्रॉपिक मतलब दोनों का मिक्सचर, अगर मैंने बोला होमोजेनस और आइसोट्रॉपिक यानी कोई भी एक, या तो होमोजेनस या फिर आइसोट्रॉपिक, तो हमारा अजम्पशन क्या है सोम के अंदर, मटेरियल शुड बी होमोजेनस एंड आइसोट्रॉपिक, एंड आइसोट्रॉपिक, एंड का मतलब प्लस। तो बेटा ये रहा होमोजेनस मटेरियल, ये रहा आइसोट्रॉपिक मटेरियल जिसको हम समझ चुके हैं। अब जैसे मैं इन दोनों मटेरियल को मिलाऊंगा तो एक नया मटेरियल का निर्माण होगा जिसको बोलूंगा मैं होमोजेनस एंड आइसोट्रॉपिक मटेरियल। क्या बोलूंगा, होमोजेनस एंड आइसोट्रॉपिक मटेरियल, मतलब ऐसा मटेरियल जिसके अंदर दोनों प्रॉपर्टी है, वो होमोजेनस भी और आइसोट्रॉपिक भी है। और जब होमोजेनस आइसोट्रॉपिक मटेरियल बनता है, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी हर जगह
हर एंगल पे, हर डायरेक्शन में सेम होती है। मतलब वो ना तो पॉइंट पे डिपेंड करती है ना डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, मतलब वो हर जगह फिर सेम ही निकल के आती है। कैसे? सामने देखो, देखो बेटा क्या मैंने यहां पे कहीं भी E1 E2 यूज किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि किसी भी एंगल पे, किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी पॉइंट पे प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। कैसे होगी? देखो फटाफट देखो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दोनों गुण है, इसके अंदर दोनों प्रॉपर्टी है। कौन कौन सी? ये होमोजेनस भी और आइसोट्रॉपिक भी है। तो ध्यान देंगे बेटा, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। इधर देखो, पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर थ्री, तीन पॉइंट मैंने ले लिए बेटा। तो होमोजेनस मटेरियल की डेफिनेशन क्या है? होमोजेनस मटेरियल की डेफिनेशन है एक ऐसा मटेरियल जिसमें किसी भी पॉइंट पे प्रॉपर्टी पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होगी? फिक्स होगी। तो चेक करो, पॉइंट नंबर वन पे इस डायरेक्शन प्रॉपर्टी, पॉइंट नंबर टू पे इस डायरेक्शन में ही, पॉइंट नंबर थ्री पे इस डायरेक्शन में ही। कैसा मटेरियल हुआ? कैसा मटेरियल हुआ? कैसा मटेरियल हुआ? होमोजेनस। पॉइंट नंबर वन पर इस डायरेक्शन में ई, पॉइंट नंबर टू पर इस डायरेक्शन में ई, पॉइंट नंबर थ्री में इस डायरेक्शन में ई। कैसा मटेरियल हुआ? होमोजेनस। दोबारा देखें, पॉइंट नंबर वन पे इस डायरेक्शन में ई, टू पे इस डायरेक्शन में ई, थ्री पे सेम उसी डायरेक्शन में ई। कैसा मटेरियल हुआ? होमोजेनस। इधर आओ, पॉइंट नंबर वन पे नीचे वाली डायरेक्शन में ई, पॉइंट नंबर टू पे नीचे डायरेक्शन में ई, पॉइंट नंबर थ्री पे नीचे डायरेक्शन में ई। इसका मतलब कैसा मटेरियल हुआ? होमोजेनस। यानी ये मटेरियल होमोजेनस है। आगे देखो, आगे देखो, पॉइंट नंबर वन पे सारी डायरेक्शन में, सारी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी कैसी है? सेम। कैसा हुआ? आइसोट्रॉपिक। कैसा हुआ? आइसोट्रॉपिक। पॉइंट नंबर टू पे, पॉइंट नंबर टू पे सारी डायरेक्शन प्रॉपर्टी कैसी है? सेम। कैसा हुआ? आइसोट्रॉपिक। इधर आओ, पॉइंट नंबर थ्री में सारी डायरेक्शन प्रॉपर्टी कैसी है? सेम। इसका मतलब क्या हुआ? आइसोट्रॉपिक। यानी जब मैं होमोजेनस और आइसोट्रॉपिक को मिलाता हूं, तब जाके जो मटेरियल बनता है उसको बोलते हैं होमोजेनस एंड आइसोट्रॉपिक मटेरियल। वही मटेरियल होता है जिसकी प्रॉपर्टी हर जगह, हर डायरेक्शन में, हर एंगल पे कैसी होती है? सेम होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो ना कि होमोजेनस मटेरियल प्रॉपर्टी हर जगह सेम है, दैट वॉज द रॉन्ग आंसर। व्हाट इज द राइट आंसर? होमोजेनस मटेरियल प्रॉपर्टी एक डायरेक्शन में सेम होती है, सब जगह सेम नहीं होती है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेम होती है, हर जगह सेम नहीं होती है। तो अगर हमें सारी जगह पर प्रॉपर्टी सेम चाहिए तो कौन सा मटेरियल होना चाहिए? वो होमोजेनस एंड आइसोट्रॉपिक मटेरियल। दैट इज वाई हमारे सॉम का जो अजम्पशन है वो यही है। सब फर्स्ट अजम्पशन यही होता बेटा सॉम के अंदर कि मटेरियल शुड बी होमोजेनस एंड आइसोट्रॉपिक। पढ़ा हुआ आप लोगों ने पक्का। तो ऐसा करने से क्या होता बेटा, ये जो अजम्पशन होते हैं ऐसा करने से, इसीलिए देखो हमारे सॉम के ज्यादातर 99% जो क्वेश्चन आपको देखेंगे ई की एक वैल्यू आपको दी जाती है, क्योंकि हमने मान लिया पहले कि हमारा मटेरियल होमोजेनस एंड आइसोट्रॉपिक है, मतलब उसकी प्रॉपर्टी हर जगह सेम है। तो वो अकेले होमोजेनस की नहीं होती, अकेले आइसोट्रॉपिक की भी नहीं होती, दोनों को मिला के बनती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो डाउट था ये बहुत बेसिक डाउट, और ये सबसे, मतलब आपने बोल दिया ना अगर अपने इंटरव्यू में कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट सॉम है, तो बहुत प्रॉबेबल आपसे पूछे कि बताओ होमोजेनस मटेरियल और आइसोट्रॉपिक मटेरियल क्या, तो इंटरव्यू आपसे पूछ सकता है। इसलिए इसलिए बेटा बेसिक क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आई होप कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा, आपको शंका नहीं होगी इसमें, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और क्या क्या डाउट आपको आते हैं, क्या क्या कंफ्यूजिंग टॉपिक आपको लगते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर मेरे एफर्ट्स आपको दिख रहे हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताइए गौरव बाबू सर एक ऐसी सीरीज भी लेके आए जहाँ पे वो केवल डाउट क्लियर करा रहा आप लोगों के, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ ये सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी डेफिनेटली। तो इसी तरह से बेटा लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए, और मैं आपके लिए इस तरह के वीडियो बनाता रहूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, मुलाकात करूंगा नए कन्फ्यूजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।